सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रदेश में लगाई गई बजरी खनन पर रोक के बाद भी अवैध बजरी खनन पर मुख्य सचिव एससीएस खान और डीजीपी को अवमानना नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से 82 LOI होल्डर द्वारा किए जा रहे खनन पर रोक लगा दी थी। इस मामले में राज्य सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से वैध बजरी खनन पर रोक के बाद अवैध बजरी खनन का काम बढ़ा है। ऐसे में वन, पर्यावरण, पुलिस और खान विभाग के साथ संयुक्त बैठक कर टीमों का गठन कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं लोगों को बजरी उपलब्ध हो इसके लिए खातेदारी भूमि पर भी नियम अनुसार बजरी खनन की अनुमति दी जा रही है। जल्द ही NGT और अन्य संबंधित विभागों से चर्चा कर इसका हल निकाला जाएगा। बिल्कुल, आपने जो कहा बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है हमारे सामने। इसका पीछे कारण यह है कि जो LOI थे, 82 LOI हमारे यहाँ ऑपरेटिव थे, उनके ऊपर कोर्टों की प्रक्रिया के माध्यम से एक के बाद एक स्टे ऑर्डर्स रहे हैं और वैध रूप से खनन करने वाली बजरी आज आसानी से क्या बल्कि उपलब्ध ही नहीं है क्योंकि स्टे है। हमने हाई कोर्ट में DB में हम जीते थे, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर आगे पार्टीज चली गई और वहाँ से स्टे उनको मिल गया है। और उन्होंने ये जो आप कह रहे हैं कि 4 वीक में जवाब मांगा है, वो बेसिकली जवाब ये है, अभी हमारे पास उसकी कॉपी आनी बाकी है। लेकिन मुख्यतः बात यह है कि जब हमारा स्टे है तो अवैध बजरी कैसे खनन हो रही है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।